दोस्तों, कभी आपने सोचा है 17वीं शताब्दी में भारत में सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ था? इस टाइम मुगल एम्पायर अपनी पीक पर था। ये स्टोरी किसी एपिक थ्रिलर से कम नहीं है। ये स्टोरी है उस इंसान की जिसने अपनी छोटी सी सेना के बलबूते मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। ये वो नाम है जो हर हिंदू के दिल में बसता है। शिव छत्रपति महाराज चलिए चलते हैं 16वीं शताब्दी में, जब इस बच्चे का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था ये बच्चा आगे चलकर अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए जाना जाएगा। छत्रपति शिवाजी का बचपन शिवनेरी फोर्ट में गुजरा, जहां उनका जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वुमेन थी, जो उन्हें रामायण और महाभारत के किस्से सुनाया करती। ये स्टोरी उन इंडियन वॉरियर्स की थी जो धर्म, न्याय और बहादुरी के लिए आज भी जाने जाते हैं। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं थी, ये लेसन्स थे छत्रपति शिवाजी के लिए, लीडरशिप, करेज और मोरालिटी के लिए। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को ग्रेट मराठा एंसेस्टर्स और उनके अटैकर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल के बारे में काफी चीजें बताई। ऐसे रोज रोज उन्हें ये बातें बताने से और एक आजाद और समृद्ध राज्य के विजन ने कब इनके मन में हिंदवी स्वराज्य के बीज बो दिए पता ही नहीं चला। शाहजी भोसले, जो कि छत्रपति शिवाजी के पिता थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है छत्रपति शिवाजी की लाइफ। शाहजी ने छत्रपति शिवाजी को बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीर चलाना सिखाया और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक सिखाई, जिसका यूज आज भी कई देशों की आर्मी किया करती है। और इन सभी ने छत्रपति शिवाजी को एक महान योद्धा बनने में मदद करी। शाहजी भोसले का सपना एक स्वतंत्र मराठा राज्य का था और उन्होंने अपने बेटे शिवाजी को भी ये सपना दिया। उनके दिए हुए पॉलिटिकल और मिलिट्री गाइडेंस से शिवाजी को दुश्मनों से निपटने में हमेशा मदद मिली। अपने पिता की कहानी उनके लिए एक पर्सनल इंस्पिरेशन जैसी साबित हुई। चलिए चलते हैं उस समय में, जब छोटी सी ही उम्र में छत्रपति शिवाजी ने तोरना फोर्ट पर कब्जा करके पहली जीत अपने नाम करी थी। ये बात है सन 1645 की, जब छत्रपति शिवाजी और उनकी सेना की टुकड़ी ने रात के अंधेरे में तोरना फोर्ट पर चढ़ाई की और इसे अपने कब्जे में ले लिया। ये बस शुरुआत, और इसके बाद क्या, छत्रपति शिवाजी ने ऐसे कई फोर्ट्स पर कब्जा किया जिसमें कुंदाना, राजगढ़, प्रतापगढ़ जैसे कई फोर्ट्स शामिल हैं, और इसी तरह उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। इनका बस एक ही सपना था, एक ऐसा स्वराज्य जहां हर व्यक्ति को जस्टिस मिले और उनकी प्रजा हमेशा खुश रहे। चलिए जानते हैं अब कुछ ऐसी बैटल्स के बारे में जो छत्रपति शिवाजी ने लड़ी और जीत अपने नाम करी। शुरुआत करते हैं द फेमस प्रतापगढ़ बैटल से, जहां अफजल खान, जो कि बीजापुर सल्तनत का एक बहुत ही पावरफुल जनरल था, जिसका मिशन था छत्रपति शिवाजी को मारना। अब वो ऐतिहासिक दिन था जब अफजल खान, जिसकी हाइट मानी जाती है 7 फिट, और छत्रपति शिवाजी, जिनकी कई टैक्स के हिसाब से हाइट बोली जाती है 5 फीट 8 इंचेस से लेकर 5 फीट 10 इंचेस के बीच में, काफी बड़ा हाइट का गैप था। अब सोचिए, जब इन दोनों की लड़ाई हुई तो क्या हुआ। सबको पता था कि अफजल खान धोखा देने वाला है, इसीलिए छत्रपति शिवाजी पूरी तैयारी के साथ गए थे, कवच पहन के गए थे और अपनी स्लीव में छुपा के गए थे वाघ नख, जी हाँ, जो कि एक टाइगर क्लॉ की शेप का एक डैगर होता है, और उसी डैगर की मदद से उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे अफजल खान के, जी, और आज भी वह डैगर देखा जा सकता है सातारा के एक म्यूजियम में। ऐसी बहुत सारी और जीत हैं जो छत्रपति शिवाजी ने अपने नाम की। अब मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही फनी किस्सा सुनाने वाला हूं, जो छत्रपति शिवाजी का मास्टर प्लान भी कहा जाता है, जिसे उन्होंने सबको चौंका दिया था 1666 में, जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को आगरा बुलाया था और वहां कैद खाने में डाल दिया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी बहुत ही चालाक थे, उन्होंने एक बास्केट जिसमें मिठाइयां रखी जाती थी उसमें छुपकर वहां से भागने का प्लान बनाया, जिसमें वह सफल भी हुए।
ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ऐसे और कई सारे किस्से हैं जो कि हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीर योद्धाओं के बारे में ऐसी ही कई सारी जबरदस्त कहानियां जाननी हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज।